अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग स्वर्ग में जाकर लगातार लगा रहा कोरोना वैक्सीन। तीसरा मामला प्रकाश में आया। अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन लगाने का ग्राफ बढ़ाने को लेकर रोजाना मेहनत कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग मृतकों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला लगातार प्रकाश में आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस मामले को टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। अलीगढ़ निवासी मोहम्मद आरिफ की मौत 8 दिसंबर को हो जाने के बाद 15 जनवरी को उनके कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का मैसेज आने पर परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया। इसके तीसरे दिन तहसील अतरौली क्षेत्र के गांव पिलगुनी निवासी संतोष कुमार की 2 अक्टूबर को मौत हो गई थी, जिनकी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का मैसेज उनके परिजनों के पास आने पर स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया। वहीं यह सिलसिला अब अकराबाद स्वास्थ्य केंद्र की गाँव सागढ़ में पहुँच गया है, जहाँ 2 माह पूर्व मृतक सावित्री देवी को स्वास्थ्य विभाग ने स्वर्ग में जाकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी। मृतक सावित्री के पुत्र मोहित कुमार ने उक्त मामले को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को बताया, जहां स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस संबंध में टेक्निकल फॉल्ट बताकर मामले को टाल रहे हैं। शायद जीवित व्यक्ति दूसरी डोज की मैसेज पर अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा है, इसी को लेकर उक्त मामले को प्रकाश में लाना नहीं चाहता। जहां मृतक को दूसरी डोज लगने के मामले लगातार प्रकाश में आते नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित कुमार जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या सर ये है कि 26/10/2021 को मेरी माता जी का वैक्सीनेशन हुआ था फर्स्ट डोज, 28/10/2021 को उनकी डेथ हो गई। तदुपरांत अब 2 महीने के बाद में उनकी सेकेंड डोज का मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे। और तो उनका वैक्सीन लगी नहीं क्या? सर उनकी डेथ हो गई 2 महीने पहले, अब 2 महीने बाद ये सेकेंड डोज का वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने उसको डाउनलोड किया है क्या? हाँ सर, मैंने डाउनलोड किया है वो, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है ये सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें जो वैक्सीनेशन के समय में जो बेनिफिशियरी ने जो मोबाइल नंबर दिया था उसकी लास्ट डिजिट में चेंज था, तो अब चूंकि लास्ट डिजिट का चेंज ऑलरेडी पोर्टल पर एंटर हो चुका था तो मैसेज वहाँ चला गया है। बट पोर्टल पर अब ये सुविधा कर दी गई है कि अगर इस तरह की त्रुटियाँ हो जाती हैं तो हम बेनिफिशियरी की ID खोल के उसकी डोज को रिवर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन रिवर्ट कर सकते हैं। तो जो स्थिति हमारे इस बेनिफिशियरी की थी वो बनी रहेगी, और जिसको टीका लगा है उसको उसकी डोज का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जिस प्रकार से आधार कार्ड लिया जाता है तो उसी आधार कार्ड पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर भी लिखवा लिया जाए ताकि ये आगे गलती ना हो? कई दफ़े वो भी स्थिति बनती है कि वो अपना आधार कार्ड भी देने की स्थिति में नहीं होते हैं, खाली बोलने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है उनके पास। लेकिन जो आपका सुझाव है वो अच्छा है, इसको टीम को बताया जाए। ठीक है।